Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the redox titration. इससे पहले हम लोग basics के बारे में बात कर रहे थे, आज हम start करते हैं redox titration को. सबसे पहले हम बात करते हैं कि redox titration क्या होता है, उसका principle क्या है and उसकी applications क्या है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो let's start. First of all, if we talk about the redox titration, as I already discussed, redox titration is a type of volumetric titration where redox reaction takes place. Redox reaction का मतलब क्या होता है? जहाँ पर reduction और oxidation reaction आपकी simultaneously occurs होती है, यानी कि दोनों reaction एक साथ होती है. दोनों reaction कैसे होंगी? आपके आपको पता ही है, आपके दो compound होते हैं जिसको हमें एक titrand होता है, एक titrand होता है. इन दोनों में से कोई एक oxidizing agent होगा और दूसरा reducing agent होगा, ठीक है? दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, रिडक्शन करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा. तो दोनों कहीं ना कहीं पैरेलली क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कर रहे हैं. तो इन दोनों की प्रेजेंस में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन पार्टिसिपेट करती है और यह टाइट्रेशन आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन कहलाता है, ठीक है? इसके बाद हमने बात की थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इन सभी के बारे में जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो पर जा सकते हैं. तो हम बात करते हैं डायरेक्टली रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में या इसकी डेफिनेशन के बारे में. ऑन टू द डेफिनेशन, यहां पर लिखा है एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बिटवीन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है, दोनों साथ साथ होती है. एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, किसका होगा, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन होगा जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. दोनों आपस में रिएक्शन शो करेंगे और आपकी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी, और जिस टाइट्रेशन में ये रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगी वो टाइट्रेशन आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन कहलाएगा, ठीक है? बेसिकली यहां पर क्या होता है आपका, इस रिएक्शन में अगर मेनली बात की जाए जो अभी तक हमने सीखा है, यहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफर होते हैं. एक कंपाउंड डोनेट करता है तो दूसरा एक्सेप्ट करता है, जो डोनेट करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और जो एक्सेप्ट करता है उसका रिडक्शन होता है. तो यहां पर लिखा है द केमिकल रिएक्शन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ टाइट्रेशन वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन रिएक्टिंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. दो कंपाउंड के बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, ठीक है, यही आपका रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है और टाइट्रेशन के फॉर्म में होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेडॉक्स टाइट्रेशन. जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल भी लिखा है, यह आपका सैरिक आयन है, यह आपका फेरस आयन है, ठीक है? यहां से जाने में देखते हो अगर आप, इसके पास प्लस के दो है, इसके पास प्लस के तीन है, मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताया है. पॉजिटिव जब बढ़ता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है? यहां से यहां पर जाने पर पॉजिटिविटी घट रही है, यानी कि चार से तीन हो रहा है, तो सिंपली यहां पर क्या है आपका, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है? अगर ये भी नहीं देखना चाहते तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करिए, प्लस के दो हैं तो कम इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं इसने, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, जो डोनेट करेगा. इसके ऊपर ज्यादा चार्ज पॉजिटिव है, उसने ज्यादा डोनेट किया है. इसके कंपैरिजन में इसने कम डोनेट किया है, यहां पर ज्यादा, यहां इसका मतलब क्या है, यहां से यहां पर जाने पर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे हैं, डोनेट हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होगा, और यहां से यहां पर आने पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो दैट मीन रिडक्शन होगा. तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है आपके रेडॉक्स टाइट्रेशन का, ठीक है? इसके बाद यहां पर हम अगर इसका एंड पॉइंट पता करना चाहेंगे तो हमारे पास कौन कौन से माध्यम है. सबसे पहला आपका है रेडॉक्स इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स का यूज करके कलर रिएक्शन आपकी होगी, एंड पॉइंट पर कलर चेंज होगा, हम लोग पता कर सकते हैं एंड पॉइंट को. अगर ये नहीं होता है तो सबसे बेस्ट मेथड आपका होता है पोटेंशियोमीटर, ठीक है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करके हम लोग रिएक्शन का, रिस्पेक्टिव रिएक्शन का, हम लोग तब भी उसका एंड पॉइंट पता कर सकते हैं. आई होप यहां तक क्लियर है. नाउ मूव ऑन टू द प्रिंसिपल, कि यहां पर कौन सा प्रिंसिपल काम करता है. बेसिकली अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बेसिक असेंबली दिखाऊं, मान लेते हैं ये आपका ब्यूरेट है और ये आपका कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है? और टाइट्रेशन कहता क्या है, टाइट्रेशन का मतलब होता है कि एक कंपाउंड आपका ऐसा होगा जो नॉन कंसेंट्रेशन वाला होगा, एक कंपाउंड ऐसा होगा जो कि अननोन कंसेंट्रेशन वाला होगा. जिसकी कंसेंट्रेशन नॉन होती है वो टाइट्रेंट कहलाता है, और जिसकी कंसेंट्रेशन अननोन होती है वो टाइट्रेंड कहलाता है, ठीक है? ऐसा ही यहां पर होगा. मान लेते हैं आपका एक कंपाउंड है जिसकी कंसेंट्रेशन अननोन है, ठीक है? जैसे कि आपका फेरस आयन है, ठीक है? मैंने यहां पे क्या एग्जांपल लिया है, फेरस Fe2+, ये आपका टाइट्रेंड है, इसकी कंसेंट्रेशन अननोन है. तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ये आपका क्या है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है.
ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट आपका अननोन है, तो नोन कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि आपका क्या है, Ce4+। ये इसका प्रिंसिपल कहता है कि एक कंपाउंड आपका अननोन होगा और उसकी अननोन की कंसेंट्रेशन पता करने के लिए हम नॉन कंसेंट्रेशन यूज करते हैं, या तो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की या किसी रिड्यूसिंग एजेंट की। अगर कॉनिकल फ्लास्क में रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ब्यूरेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अगर कॉनिकल फ्लास्क में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ब्यूरेट में रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा प्रिंसिपल है इसका। लेट्स रीड दिस। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड टू टाइट्रेट द अननोन स्पीसीज is measured redox titration in redox titration। ठीक है, यहाँ पर oxidizing और reducing agent का use करके हम किसी unknown species को measure करते हैं, मैंने आपको भी बताया। ठीक है, दूसरा point लिखा है, the redox titration is carried out by using a known amount of oxidizing or reducing agent। जब एक आपका unknown है तो दूसरा कौन होगा? known। अब वो known क्या है, वो depend करता है कि conical flask में कौन है। ठीक है, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। देन मेजरिंग द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट एजेंट द अननोन स्पीसीज कंसंट्रेशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द चेंज इन कंसंट्रेशन। यानी कि जो आपका ब्यूरेट में होगा, जो कि आपका नोन है, ठीक है, जैसे आप टाइट्रेशन परफॉर्म करोगे तो क्या होगा, अभी ब्यूरेट में आपका Ce4+ है, जैसे ये कॉनिकल फ्लास्क में जाएगा तो ये Ce3+ में कन्वर्ट होगा, यानी कि Ce4+ की कंसेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और Ce3+ की कंसेंट्रेशन आपकी बढ़ेगी। तो इस चेंज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि हमारा ये क्या है, नॉन है, और नॉन को डिटरमाइन करना इजी होता है। हमने एक बार उसको डिटरमाइन कर लिया तो जितनी कंसेंट्रेशन इसकी बढ़ रही है उतनी ही कंसेंट्रेशन आपकी Fe3+ की बढ़ेगी, और जितनी इसकी घट रही है उतनी ही इसकी घटेगी, क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, जो आपका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट ब्यूरेट में है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन के चेंज को हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, और उस चेंज को मेजर करने के बाद उससे हम क्या करेंगे, अननोन स्पीसीज की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप ये जानते हैं, इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड है आपका, जैसे आपने यहां पे देखा रेडॉक्स इंडिकेटर यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पोटेंशियोमीटर यूज किया जा सकता है। पोटेंशियोमीटर में आपकी एक इक्वेशन लागू होती है फॉर द रेडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। क्या बोलते हैं? नस्ट इक्वेशन। ठीक है, नस्ट इक्वेशन क्या होती है आगे आपको फिफ्थ यूनिट में डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन बेसिक मैं आपको बता देता हूं, यह आपकी होती है E = E₀ - 0.0591 × n × log Qn। ठीक है, ये बेसिक आपकी नस्ट इक्वेशन होती है। इसको अप्लाई कैसे करना है आप लोगों को बताया जाएगा फिफ्थ यूनिट में, लेकिन फिलहाल के लिए मान के चलिए कि आपको पोटेंशियोमीटर की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि अभी हम आपको उसको डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ऑलरेडी हमको उसको पढ़ना ही है फिफ्थ यूनिट में। तो हम मान के चलते हैं कि रेडॉक्स इंडिकेटर हमने यहाँ पे यूज किया है, सिंपल एंड पॉइंट पर कलर चेंज हुआ और वहां पर हमने वॉल्यूम मेजर की और उसकी नॉर्मेलिटी से उसकी नॉर्मेलिटी निकाल ली हमने नॉर्मेलिटी इक्वेशन से N1V1 से N1V1 = N2V2। ठीक है, इस तरीके से हमने कंसेंट्रेशन का चेंज पता कर लिया। ठीक है, क्योंकि हम क्या पता कर रहे हैं, चेंज इन द कंसेंट्रेशन, इसका पता है हमको क्योंकि नोन है, इसका ऑलरेडी पता लग जाएगा। कोटेड, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, कौन कौन से एग्जाम्पल आपके हैं, तो सेरीमेट्री, आयोडीमेट्री किसके एग्जाम्पल हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन के। तो फर्स्ट वन इज द सेरीमेट्री, आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री, आयोडेटोमेट्री एंड परमैग्नोमेट्री। ठीक है, ये सभी आपके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, यहां पर सभी पर रेडॉक्स टाइट्रेशन होगा, इसमें भी रेडॉक्स होगा, यहां पर भी एंड इवन ऑन। लेकिन इनके नाम अलग अलग क्यों है, क्योंकि यहां पर टाइट्रेंट अलग अलग यूज किए जाते हैं। जैसे कि सेरीमेट्री में आपका सेरिक आयन यूज किया जाएगा, आयोडीमेट्री में आपकी आयोडीन यूज की जाएगी डायरेक्ट, और आयोडोमेट्री में आपकी आयोडीन यूज की जाएगी बट इनडायरेक्ट। आयोडेटोमेट्री में आप लोग पोटेशियम आयोडेट यूज करोगे और परमैग्नोमेट्री में आप लोग पोटेशियम परमैग्नेट यूज करोगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, डाइक्रोमेट्री, नाइट्राइट टाइट्रेशन, ठीक है, ब्रोमेटोमेट्री एटसेट्रा, उन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है। तो फिलहाल के लिए समझिए, आपको एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे एग्जाम में,
serimetry, iodimetry, iodatometry, etc. Got it? तो दिस इज द प्रिंसिपल और थ्योरी जिसके ऊपर ये काम करता है आपका. समझ गए आप लोग? नॉन अननोन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो वो क्लियर है. जरूर नहीं आप लोग जो जिस लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द एप्लीकेशंस. ये बहुत जगह यूज किया जाता है क्योंकि आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन आपकी अधिकतर पार्टिसिपेट करती है कई तरह की मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अब डेफिनेशन भी वास्ट हो गई है. अब ये नहीं रहा कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं जिसकी वजह से ये आपका कई जगह यूज किया जा सकता है. अगर स्पेशली हम बात करूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, तो सबसे पहला आपका यूज है, दिस इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वेल गैन सिक्लोवीर हाइड्रोक्लोराइड. दिस इज ए ड्रग, एंटीवायरल ड्रग, जहां पर इसको यूज किया जाता है. ठीक है, इसके कंसेंट्रेशन को पता करने के लिए बेसिकली आपका ये यूज किया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में, जहां पर हम वेल गैन सिक्लोवीर में आयरन का अमाउंट पता करते हैं. ठीक है, आयरन आपका फेरस और फेरिक फॉर्म में होता है, यहां पर हम आयरन का अमाउंट पता करते हैं जिससे कोरिलेटली आपका वेल गैन सिक्लोवीर की कंसेंट्रेशन पता लग जाती है. फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि वेल गैन सिक्लोवीर में इसको यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन इज द, जैसे कि इसके बहुत सारे टाइप है तो अलग अलग टाइप है तो अलग अलग एप्लीकेशन होंगे. ब्रोमेटोमेट्री जो कि आपका यूज किया जाता है इन द एसे ऑफ आइसोनियाजाइड एंड हाइड्रोक्सिलामाइड. डाइक्रोमेट्री यूज्ड इन द डिटरमिनेशन ऑफ आयरन. ठीक है, आयरन में क्या क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ आयरन यानी कि उस सैंपल में आयरन यानी कि फेरस कितने परसेंट है और फेरिक कितने परसेंट है. दूसरा हम रेशियो पता कर सकते हैं कि उस सैंपल में फेरस और फेरिक का रेशियो क्या है. ठीक है, कितने परसेंट फेरस है Fe+2 है और कितने परसेंट आपका फेरिक है. ठीक है, तो रेशियो पता कर सकते हैं. इसके बाद आयोडीमेट्री, जहां पर डायरेक्ट आयोडीन यूज की जाती है, इसको हम यूज कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर के डिटरमिनेशन में. बेंजाइल पेनिसिलिन जिसको हम पेनिसिलिन वी भी बोलते हैं, ठीक है सॉरी पेनिसिलिन जी बोलते हैं, वहां पर इसको यूज कर सकते हैं क्लोरेट की डिटरमिनेशन में एंड फिनोल की डिटरमिनेशन में. ठीक है, क्योंकि ये सभी इसके साथ क्या करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं. ठीक है, सेरीमेट्री आपकी यूज की जाती है डिटरमिनेशन ऑफ फेरस सल्फेट, पैरासिटामोल, फेरस ग्लूकोनेट एंड फेरस फ्यूमरेट. अधिकतर ये फेरस कंपाउंड के लिए ही यूज की जाती है, बट इट इज आल्सो यूज्ड इन द पैरासिटामोल डिटरमिनेशन. लास्ट वन इज द आयोडेटोमेट्री, ये आपकी यूज की जाती है हाइड्रोलाजिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि एक इंजेक्शन आता है मार्केट में. आयोडाइज्ड ऑयल फ्यूल्स, आपके कुछ फ्यूल्स होते हैं जो कि आयोडाइज्ड होते हैं, उनको उनकी कंसेंट्रेशन पता करने के लिए सोडियम डाइट्राइजोएट, सोडियम डाइट्राइजोएट इसके कंसेंट्रेशन को पता करने के लिए. बेसिकली यहां पर एक सिंपल सी ट्रिक आपकी है. ठीक है, वो मेथड उसके लिए अप्लाई होगा, उस कंपाउंड के लिए अप्लाई होगा जो कंपाउंड उसके साथ में रिएक्शन करेगा. ठीक है, मान लेते हैं सेरीमेट्री आपका क्या है, सेरीमेट्री आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट के लिए अप्लाई होगा. ठीक है, और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे होंगे जो उसके साथ में डायरेक्टली रिएक्शन शो करेंगे, तो वही इसकी एप्लीकेशन होगी. ये बहुत कम पॉइंट लिखे हैं, आगे आगे आप पूरी यूनिट पढ़ोगे तो आपके पास 50-60 एप्लीकेशन हो जाएंगे, उनमें से आप चूज करके लिख सकते हो एग्जाम में. ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द रेडॉक्स टाइट्रेशन. अगर थ्योरी के रूप में आता है आपके एग्जाम में तो भी आप इसको लिख सकते हैं, प्रिंसिपल के रूप में आता है देन यू कैन राइट दिस. ठीक है, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच.